हेलो। इस कहानी का नाम है जादुई जूता। एक बार एक लड़की थी, उसका नाम था भाविका। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, सबकी मदद करती, लेकिन वो चल नहीं सकती थी क्योंकि बचपन में उसके पाँव में पोलियो हो गया था, तो वो क्रचेस के सहारे से चलती थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करते। कभी उसे बीच पर ले जाते जहां वो सुंदर सुंदर सैंड कैसल्स बनाती, कभी उसे झूले पर बिठाते और खूब झूला झुलाते। लेकिन फिर भी भाविका बहुत बार उदास हो जाती थी। वो चाहती थी कि वो चल सके, दौड़ सके, डांस कर सके। एक दिन वो स्कूल में बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे और वो बड़ी उदास होकर सारे बच्चों को देखती जा रही थी। तभी उसकी मैम आई क्लास में और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। वो देखकर वो और भी उदास हो गई, क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स डे में हिस्सा ही नहीं ले सकती थी। जब क्लास में बच्चे आए और उनने बोर्ड पर देखा स्पोर्ट्स डे, तो खुशी से चिल्लाने लगे, मैम कब होगा स्पोर्ट्स डे, हमें भी पार्ट लेना है। मैम बोली, स्पोर्ट्स डे बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग सब स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर लो। इतनी देर में बदमाश बबलू बोला, हम तो तैयारी कर लेंगे, लेकिन ये भाभी का तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो चल भी नहीं सकती, दौड़ेगी कैसे। मैम बोली, गंदी बात बबलू, सॉरी कहो भाविका से। बबलू बोला, सॉरी भाविका। लेकिन भाविका बहुत उदास हो गई थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, अपने क्रचेस लेके बाहर ग्राउंड पर चली गई और एक बेंच पर पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां बैठकर और बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भी स्पोर्ट्स डे में पार्ट लेना है, मुझे भी रेसिंग करनी है, मैं क्या करूं। इतने में उसे एकदम से धीमी धीमी गुड्डू गुड्डू की आवाजें सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगी, ये किसकी आवाज आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कहां से आ रही थी आवाज, लेकिन सडनली फिर से आवाज आई, गुटोर गो गुटोर गो गुटोर गो। उसने देखा, ओ ये आवाज तो मेरे नीचे ही बेंच से आ रही लगती है। क्रचेस लेके नीचे उतरी और बेंच के नीचे झांक कर देखने लगी। जब उसने नीचे देखा तो एक छोटा सा कबूतर का बच्चा गिरा हुआ पड़ा था और उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो अपने पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा था। ओ तुम नीचे गिर गए हो, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालती हूं। ये कहकर भाविका ने उसे बाहर निकाला और खूब प्यार किया और उसे बेंच पर रख दिया और खुद भी आकर बेंच पर बैठ गई और कबूतर के बच्चे से कहने लगी, अब तुम उड़ जाओ और जाकर अपनी मम्मा के पास चले जाओ, घर चले जाओ। धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते कबूतर का बेबी उड़कर अपने घोंसले में पहुंच गया। जब उसकी माँ कबूतरी ने अपने बच्चे को देखा तो खुशी के मारे गुटुर 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 करने लगी और भाविका से बोली, थैंक यू, तुम तो बहुत प्यारी हो, गुटुर गुटुर गुटुर। और अपने घोंसले में से उसने एक पेयर ऑफ गोल्डन शूज निकाले और नीचे डाल दिए। कहने लगी, ये शूज तुम्हारे लिए हैं, गुटरू गुटरू गुटरू। भाविका बड़ी उदास हो गई, कहने लगी, मैं शूज का क्या करूंगी, मैं तो न चल सकती हूं न भाग सकती हूं। कबूतरी बोली, इन्हें पहनकर तुम चल भी पाओगी, दौड़ भी पाओगी और डांस भी कर पाओगी। भाविका को विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से डरते डरते जूतों में अपने पांव डाले और चलने की कोशिश करने लगी।
लेकिन उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, वो आराम से चल पा रही थी। उसने दौड़ने की कोशिश की और फटाफट भाग सकी, मटक मटक कर डांस करने लगी। उसका खुशी के मारे बुरा हाल था। भागती हुई अपने घर पहुंची। जब उसके मम्मी पापा ने उसे भागते हुए देखा तो वो आश्चर्य से उसे देखने लगे, कहने लगे, क्या हुआ, कैसे तू चल पा रही है? कहने लगी, हमारे स्कूल के पार्क में मेरी बेंच के नीचे एक कबूतर का बच्चा घायल पड़ा था। जब मैंने उसकी मदद की तो कबूतरी ने ये जूते मुझे गिफ्ट में दिए हैं, इनको पहनकर मैं चल भी सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ, ये जादुई जूते हैं। उसके मम्मी पापा ने प्यार से उसे गले लगा लिया। अब अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। भाविका ने स्पोर्ट्स डे में पार्ट लिया और इतनी फास्ट दौड़ी जादुई जूतों की मदद से कि वो फर्स्ट आ गई। सारे बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अब भाविका की खुशी का कोई पार नहीं था। उसके खूब सारे दोस्त बन गए और सारे बच्चे उसे अपने साथ खिलाने लगे। रोज खेलती, दौड़ती और नए जूते पहनकर सब जगह जाती। उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो अब बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी उसे मिली क्योंकि उसने कबूतर के बच्चे की मदद की थी। तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो सामने वाला भी हमारी मदद करता है। कैसी लगी ये स्टोरी बच्चों, जरूर बताना कमेंट्स में। और अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।